आदाब, आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक में। आज हम कर रहे हैं एक बहुत ही अहम चर्चा। हम बात कर रहे हैं प्रेस फ्रीडम पर, किस तरह से ग्लोबली और इंडिया में भी जो देश के पत्रकारों की हालत है और किस तरह से हमारी एक ग्लोबल इमेज बन गई है इस देश की, कि जहां पर जर्नलिस्ट्स और उनका जो पत्रकारिता का अधिकार है वो सुरक्षित नहीं है। अभी फिलहाल हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो कि कैरवान के कंट्रीब्यूटर हैं, मनदीप पूनिया, जो कि लगातार फार्मर्स प्रोटेस्ट पर रिपोर्ट कर रहे थे, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, उन्हें जेल में रखती है और किस तरह से फैमिली को भी और लीगल टीम को उनके वेयर अबाउट्स नहीं बताए गए थे। अब मनदीप जेल से बाहर आ चुके हैं, उन्हें बेल मिली है और उसमें जद्दोजहद काफी हद तक लोगों को करनी पड़ी। एक पूरा कैंपेन लोगों ने किया उनकी फ्रीडम के लिए। तो आज हम उनसे एक खास बातचीत कर रहे हैं। मनदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज क्लिक पे। जी शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, तो मनदीप, हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि किस तरह से पुलिस ने आपको अरेस्ट किया और ये इस तरह का अकाउंट आपने जगह जगह पर अपना दिया है और काफी चीजें उसमें सामने निकल करके आई है। सबसे बड़ी चीज ये भी है कि किस तरह का सर्वेलेंस है पुलिस का, किस हद तक सर्वेलेंस है कि जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, जो लोगों के मुद्दों को दिखा रहे हैं, तो किस हद तक उनका सर्वेलेंस था जो उन्होंने आपको गिरफ्तार किया ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने फेसबुक पे क्या पोस्ट किया था और आप किस तरह से एक्सपोज करना चाह रहे थे जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे उनको। जी, मैं 30 जनवरी को वहां पर गया था, 30 जनवरी की, और शाम के 6:30 बजे होंगे पुलिस ने मुझे वहां पर गिरफ्तार किया और लाठीचार्ज किया। बेसिकली ये तो सवाल है कि सुमेधा की पुलिस एक एक चीज, एक एक पत्रकार के ऊपर नजर रख रही है, जो भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है, जो भी सत्ता जिसको छुपाना चाह रही है, जो उसको उजागर कर रहा है, उसके ऊपर सर्विलांस रख रही है और इसी उसी का शिकार मैं हुआ। ये तो एक एक बात जायज है। और मुझे गिरफ्तार किया गया और लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद जेल भेज दिया गया। ये एक एक पूरा जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है वो मैं बता ही चुका हूँ। तो सर्विलांस के साथ साथ वो लोग इस चीज का बड़ा ख्याल रख रहे हैं कि कहीं हमारे जो लोग हैं, जो इस पूरे जो किसान आंदोलन में जो को में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए, वो पूरा ख्याल रख रहे हैं अपने लोगों का। और आपने अपने फेसबुक अकाउंट में ऐसा क्या दिखाया था जिससे कि आपको लगता है कि पुलिस ने आप पर एक्शन लेने की कोशिश की, उसके बाद एकदम आर्बिट्री तरीके से आप पर एक तरह से हमला करके आपको ले गए, और वहां पर किस तरह का व्यवहार आपने देखा और क्या आपको देखने के लिए देखा आपने कि किस तरह से पुलिस रिएक्ट कर रही है और लीगल सिस्टम भी किस तरह से काम किया उस समय? देखिए, बेसिकली मैंने ये बताया था कि अपने फेसबुक लाइव में, और मैं कैरेवन के लिए रिपोर्ट भी कर रहा था, कि जो लोकल वर्सेस किसानों का बनाने का जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही थी गोदी मीडिया, वो सही नहीं था। लोकल्स वर्सेस किसान नहीं था, बल्कि कुछ बीजेपी के जो लोग थे वो इकट्ठा हुए थे और उन्होंने स्टोन पेल्ट, उन्होंने जो पत्थर थे वो फेंके थे। उस बीच में मैंने पुलिस की भूमिका के बारे में बात की, क्योंकि 29 तारीख को जब ये सब घट रहा था, मेरे आंखों के आगे घट रहा था, तो पुलिस किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी और जब किसानों की आंखें बंद हो जा रही थी, उनके आंखों में आंसू आ रहे थे, तो जो बीजेपी के वर्कर्स थे वो स्टोन फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। चूंकि मैं इस इलाके से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इस इलाके के लोकल बीजेपी लीडर्स को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं सभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करता रहता हूँ, जाता हूँ पत्रकार के तौर पे कवर करने के लिए। तो मैंने उन लोगों को पहचान लिया। वो उनकी आपको सोशल मीडिया पे फोटोज मिल जाएंगी, जो पत्थर फेंक रहे थे किसानों के ऊपर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ, और वो पोस्ट बेरर हैं, वो उनके पास, वो बीजेपी के अलग अलग पदों पर हैं। तो जो दिल्ली पुलिस की और जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मिली जुली जो चीज थी, उसको मैंने एक्सपोज किया था। इस वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे शिकार बनाया। जी हाँ, और एक तरह से सबक सिखाने की, आप सोचे कहेंगे कि एक सबक सिखाने की कोशिश की गई कि आप चुप हो जाएं, आप इस चीज को एक्सपोज ना करें, और आपको पूरे पुलिस के दमन में आपको फिजिकल इंजरीज भी हुई हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, जब लाठीचार्ज हुआ तो मेरी लेफ्ट लेग काफी इंजर्ड है और मुझे कई अंदरूनी चोटें भी हैं, जिसका मेडिकल डॉक्टर साहब ने किया है और उन्होंने बड़े ईमानदारी से किया है। और दूसरा ये कि जो
फिजिकल इंजरीज के अलावा जितने भी और भी पत्रकार हैं ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट करते हैं उनको भी गिरफ्तार कर रखा है पुलिस ने। बेसिकली जो सत्ता है वो डरती है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने वालों को, क्योंकि वो ऐसी चीजें दिखाते हैं जो सत्ता को परेशान करती है। सत्ता जो चीज छुपा रही होती है वो ग्राउंड जीरो पे रहने वाले रिपोर्टर उसको ले आते हैं, तो इस वजह से वो ठीक ठाक उनके ऊपर सर्विलांस रखती है और उनको उनके ऊपर अटैक भी करती है। तो बिल्कुल ये तो एक अटैक था और वो बदला जिसको कह सकते हैं एक हिसाब से लिया गया। और जिस तरह से आपने बताया कि एक अटैक चल रहा है, पर ये अटैक सिर्फ जैसे कि आपने पहले भी कहा है कि आप पर नहीं था, ये एक अटैक जो है वो हम इसका एक पैटर्न देख रहे हैं, और किस तरह का पैटर्न आपको नजर आ रहा है? आप ही नहीं और दूसरे जर्नलिस्ट भी इस तरह का दमन फेस कर रहे हैं स्टेट का, तो ये क्या कहता है प्रेस फ्रीडम के बारे में, पत्रकारिता के अधिकार के बारे में हम क्या समझें इस समय में? देखिए मेरे जैसे मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझसे पहले कप्पन सिद्दीकी साहब हैं वो हाथरस में रिपोर्ट करने जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर रखा है। जब मैं जेल में था उनके बारे में मुझे ख्याल आ रहा था, 4 महीने से वो बंद हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 55 जर्नलिस्टों को लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार किया गया। और जो इंडिया का प्रेस फ्रीडम है उसको आप देख इंडेक्स है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वो आप देखेंगे तो 110-111 नंबर पे है 160 कंट्रीज में। आप सोच के देखिए कि हमारी कितनी हालत खराब है और हमारे प्रेस फ्रीडम कितने हम पीछे हैं। और मतलब वैसे तो भारत में कोई पत्रकारिता का स्वर्ण दौर मुझे नजर नहीं आता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि और दौरों के मुकाबले ये दौर सबसे ज्यादा मुश्किल भरा है और सबसे बदतर दौर है ये जिसमें हम जी रहे हैं। और ये ऐसा दौर है जिसमें एक पत्रकार मिड डे मील की रिपोर्ट करता है, नमक के साथ रोटियां खिलाई जा रही हैं उसको, उसके ऊपर पुलिस केस दर्ज हो जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये एक पैटर्न देखेंगे, जो भी ग्राउंड से बहुत आम जो किसानों के मजदूरों के मुद्दों के रिपोर्ट करें उनको गिरफ्तार कर लेने। कप्पन सिद्दीकी साहब एक दलित लड़की के रेप और उसके बाद जो हत्या हुई उसके ऊपर रिपोर्ट करने जा रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो ये एक पूरा पैटर्न है। और आप हमारे दर्शकों को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे, साथ ही में पत्रकारों के बारे में एक नैरेटिव जो है वो क्रिएट करा जा रहा है, एक दो हम क्लैशेस देखते हैं, एक मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं और एक अल्टरनेटिव मीडिया है जो रियलिटी पे काम कर रही है, ग्राउंड पे काम कर रही है जैसा कि आपने कहा। तो मीडिया में एक बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस हो गया है कि किस पर विश्वास किया जाए, तो ऐसे में दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक मैसेज जाता है जो आपके साथ हुआ उसके बारे में भी और जो हालात हम देख रहे हैं उसके बारे में भी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, खासकर उस दौर में जिस दौर में सत्ता लोगों से एक बहुत कुछ छुपा रही होती है और वो छिपा रही होती है जो लोगों को जानने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तो इसलिए कोई बैलेंसिंग एक्ट तो नहीं है पत्रकारिता। और पत्रकारिता आप मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दो तरीके के पत्रकार आपको दिखेंगे, बेसिकली एक वो जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और सत्ता द्वारा सताए गए लोगों के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं और सत्ता जो छुपा रही है उसको बाहर लाने के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे पत्रकार आपको दिखेंगे जो पूरा दिन मिनिस्ट्री और अमित शाह के जो चीजें हैं उनको ट्वीट करते रहते हैं, उनको अच्छा बताते रहते हैं और टीवी शो भी अपने इस तरीके से बनाते हैं ताकि लोगों को दिखे कि सब अच्छा अच्छा चल रहा है। वो बेसिकली दरबारी पत्रकार हैं, उनको पत्रकार कहना भी गलत होगा, उनको दरबारी कलाकार कह सकते हैं क्योंकि वो एक हिसाब से उनकी स्क्रिप्ट दी जाती है और वो सिर्फ एक्टिंग करते हैं, तो वो दरबारी कलाकार हैं। सत्ता जो स्क्रिप्ट उनके पास भेजती है वैसे वैसे वो एक्टिंग करते हैं। क्रेडिबिलिटी का इश्यू तो है ही, लेकिन हम देखेंगे कि मेन स्ट्रीम के पैरेलली अल्टरनेटिव मीडिया खड़ा हो गया है जो लगातार किसान मजदूर और इन सब के ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, जो भी पीड़ित शोषित तबका है, आदिवासी तबका है, औरतें हैं, उन सब के इश्यूज के ऊपर रिपोर्ट लगातार कर रहा है। आप देखेंगे कि जो आंदोलन है किसान आंदोलन जो भी हाल में चल रहा है जहां से मेरी गिरफ्तारी हुई थी, और इस आंदोलन में भी सबसे ज्यादा अच्छा रोल जो अल्टरनेटिव मीडिया हाउसेज ने अदा किया है, वो रोज अपने रिपोर्टर्स को भेज रहे हैं, वहां से लाइव वो लोग दिखा रहे हैं, और जिस सेंसिटिविटी से ये पत्रकार अल्टरनेटिव मीडिया के कवर कर रहे हैं वाकई काबिली तारीफ है। और जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो कभी किसानों को खालिस्तानी बता दे रहा है, कभी कुछ आतंकवादी बता दे रहा है, कभी कुछ बता दे रहा है, तो उनमें तो आंदोलन के प्रति कोई सेंसिटिव या फिर आंदोलनकारियों के प्रति किसानों के प्रति कोई सेंसिटिविटी नहीं है, जबकि जो अल्टरनेटिव मीडिया के पत्रकार हैं वो लगातार जो असलियत है वो दिखा रहे हैं कि
क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, किसान किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, वो सब दिखा रहे हैं। तो ये एक बड़ा गैप है और लोग भी अब इसको समझ रहे हैं। आप ये देखिए कि किसान आंदोलन में कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल अपनी माइक आईडी के साथ रिपोर्ट नहीं कर पा रहा था, उनके पोस्टर लगे हुए थे गोदी मीडिया गो बैक, जब कोई जाता था तो गोदी मीडिया गो बैक करके उनको भगा दे रहे थे। और आप और हम जब जा रहे थे, अल्टरनेटिव मीडिया के पत्रकार हमें लंगर खिला रहे थे, अपने साथ बैठा रहे थे, हमसे बातचीत कर रहे थे और हमें कितने प्यार से ट्रीट कर रहे थे। तो जनता भी अब समझ रही है कि कौन पत्रकार है और कौन दरबारी कलाकार है। बिल्कुल। और इस पूरे अनुभव से आप क्या सीखे हैं? क्या आपको एक तरह का इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है, या फिर अब आप जो आगे काम करेंगे उसके लिए इस एक्सपीरियंस ने, इस अनुभव ने आपको किस तरह से अब परिवर्तित कर दिया है एक तरीके से? देखिए, मुझे तो एक हिसाब से मुझे तो और हौसला मिला, जिस हिसाब से पत्रकार मेरे फ्रेटर्निटी जो पूरी पत्रकारों की, वो खड़ी हुई मेरे साथ, आम लोग खड़े हुए, सामाजिक कार्यकर्ता खड़े हुए, पॉलिटिकल पार्टीज नेता जो लोग खड़े हुए, उससे तो मुझे हौसला मिला है। और मुझे और इतना हौसला मिला कि मैं आगे लगातार और सीरियसली रिपोर्ट करूंगा और सेंसिटिवली रिपोर्ट करूंगा और वो सब दिखाता रहूंगा जो छुपाने और दबाने की कोशिश की जा रही है। और मैं कोई बैलेंसवाद बिल्कुल नहीं करूंगा अपनी रिपोर्टों में, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि इसमें सत्ता एक हिसाब से पूरे एक पक्ष के साथ खड़ी है, और वो पक्ष है कि जितने भी लोग आवाजें उठा रहे हैं उनको उनको दबाने का पक्ष है, वो उनको दबा रहे हैं लगातार, उनको सता रही हैं। तो इसलिए हमारा भी एक पक्ष है कि जिनको सताया जा रहा है और जिनको दबाया जा रहा है उनकी रिपोर्ट हम लगातार ग्राउंड से करते रहे। बिल्कुल। और यही आप एक मैसेज अगर आपको देना हो जर्नलिस्ट को भी और साथ ही दर्शकों को भी, तो वो क्या होगा कि किस तरह का मीडिया हमें अभी देखना है, कंज्यूम करना है, और ये जो नैरेटिव्स हैं इन्हें किस तरह से तोड़ा जा सकता है या सच्चाई किस तरह से दिखाई जा सकती है? देखिए, पत्रकारों के लिए जो मेरे साथी हैं वो तो सारे अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए इतना ही है कि हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते रहना है। और ये जो सत्ता के लोग हमारे कलम से डरते हैं बेसिकली, तो हम इस कलम को चलाते रहना है, और जिनके लिए चलाना है वो भी मैसेज क्लियर है, सत्ता के सताए हुए लोगों के लिए, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उन तबकों के लिए हमें बिल्कुल लगातार रिपोर्ट करते रहना है। और दर्शकों को सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी साथी जो लोग देख रहे हैं, कि आप भी, अब आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन्हीं लोगों को देखें, उन्हीं लोगों का काम पढ़ें जो कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और जो सत्ता छुपा रही है उसको बाहर लेकर आ रहे हैं। तो ये दर्शकों की भी जिम्मेदारी बनती है। दर्शक, ये पत्रकारिता कोई ग्लैमर की चीज नहीं है, पत्रकारिता कोई एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है, ये एक बहुत सीरियस काम है और ये एक एक सही सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम है। तो ये पत्रकारों को भी बहुत समझदारी और सीरियसनेस के साथ करना चाहिए और दर्शकों को भी इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मतलब चिल्लाने और जो एक्टिंग करने वाला जो पत्रकार हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो आपके घर में भी जो आपके बच्चे देख रहे हैं वो भी कल को चिल्ला चिल्ला कर बात करेंगे। आराम से जो बात करने का जो तरीका है वो भी अब खत्म होता जा रहा है, वो इसी वजह से खत्म होता जा रहा है क्योंकि हम जो टीवी में देखते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे होते हैं, तो वो आपके बच्चों के आप देख रहे हैं आपके ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ेगा उनसे। और इसी नोट पर जो है हम ये वार्तालाप अभी खत्म करेंगे, पर ये जो मैसेज जो आप दे रहे हैं कि कलम हमारा चलता रहना चाहिए, जो सत्ता नहीं दिखाना चाहती है उसको दिखाने की हमें कोशिश करते रहने चाहिए। तो मनदीप, हमारे साथ ये बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।